नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम स्पेशल टॉक में मां आवां जो मेज़बान शकील सुमरो। नाजरीन, मुल्क में पेट्रोल की कीमतों का पोए बिजली जो फी यूनिट अग वधाने जो फैसलो किया है। 2.07 रुपया जो फी यूनिट बिजली के अघन में इजाफो करने लाए समरी जका है उहा उमाणी वही है, जडें त महंगाई सबब अग में ही आवाम जो है वो परेशान है। वफाकी हुकूमत तरफा मुसलसल जका पेट्रोल में वाद कई पई वे उनते अपोजिशन जो जेके जमायतू आन उन्हें तरफा भी महंगाई के वे इशू के एड्रेस करने लाए का भी हिकमत अमली न जोड़ी वही है। उनका सवाए वफाकी हुकूमत काबीना जो कल इजलास थो उनमें डिजिटल आदमशुमारी कराने जो फैसलो किया, जडें त इलेक्शन कमीशन पारा वोटिंग जका मशीन है उनते अग में ही तकरार हलंदड़ है। उन सिलसिले में कमेटी भी जोड़ी वही है, जडें त अपोजिशन की समूरी जमायतुन जका वोटिंग मशीन वो ऑप्शन है उनके रद्द कर छो है। उनका सवाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक दो बीहर शेम ऑन सिंध जे रिमार्क्स दिना तो सिंध हुकूमत जो है गुड गवर्नेंस कायम कर में नाकाम वही है। इन अहम इशूज़ स्टूडियो में गाल दावत दिनी है डिप्टी अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान अब्दुल वहाब बलोच एडवोकेट पा नामियारे वकील भी आन। उनका गड़ो गड़ असा टेलीफोन लाइन से जॉइन किया है पीपल्स पार्टी के अगवान ए सिंध वे वजीर के स्पेशल असिस्टेंट सैयद रियाज हुसैन शाह साहब। शुरू क्यों था वहाब बलोच साहब का। वहाब साहब, वफाकी हुकूमत डिजिटल आदमशुमारी कराने जो फैसलो किया है, उनमें चाहिए है तो फेबरवरी में जो है वह आदमशुमारी सेंसस शुरू कर सकते थे। इनका अग में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उनते अलग तकरार हलंदड़ है। 37 एतराज इलेक्शन कमीशन वारा तो इतने जो लिटरेसी रेट है वह सूरत को बहराड़ी आन टेम्परिंग थी सके थी उनके हैक कर सकते तो पो नतीजा जो उन्होंने शफाफियत न रही तीन समझो तो डिजिटल आदमशुमारी जहाँ नतीजा जो वो अपोजिशन जो पार्टी कबूल कद। शकील ऐसो ये पे भी कम थो पे इन सजी पार्टी इन गाल पे चवन था जैसे भी का आदमशुमारी थी सेंसिस तो पॉलिटिकल पार्टी जो फाइनलाइज थी वा तो उन्हें ये ऑब्जेक्शन कह तो भाई ये घपला थी हू घपला थी उन बेहतर निज़ाम के बेहतर करण का कदगन कान का अगर वफाकी हुकूमत बेहतर कर चाहे थी अगर अपोजिशन पार्टीज के कोई उनके खदशात आन तो उनके खदशात जाहिर कर खपन उन हल के लिए एक तजवीज देने खपे। सिर्फ ऑब्जेक्शन से तो मसलो हल को जी गाल कई तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट कास्टिंग थी पूरी दुनिया में थन पे अमेरिका में थन पे इंग्लैंड में थन पे हर जगह पे थे पे तो इनके अगर उनके बेहतर करण के लिए का है या अड़ा खदशात आन तो का या हैक थी वी या अड़ा खदशात आन या इनमें का जहाँ रिगिंग थी ये उ खदशात बुधाइन उनके रिड्रेसल के लिए कमेटी भी जोड़े सकते थी उनके फाइनलाइज कर सकते तो ये आहे वो फर्स्ट प्रोसेस में है अन्य प्रोसेस में फाइनलाइज तो नहीं है। अगर का इलेक्शन कमीशन के भी एतराज है तो एतराज है वहाब साहब आदमशुमारी जगह अग आदमशुमारी थी है वह उनते भी अपोजिशन पीपल्स पार्टी मुतहदा समूरी पार्टियों के एतराज है तो आदमशुमारी के लिए ये चाहिए तो 5% जो है वो बीहर आदमशुमारी कराई वी पर वह आदमशुमारी को कराई वही वफाकी काबीना में उनके मंजूर किया तो हि ईंदड़ जो आदमशुमारी है 2023 में डिजिटल आदमशुमारी जैसे कराई वे थी पे तो उनको कड़ी यकीन है तो वह साफ शफाफ थी सिस्टम तो तहो तरक्की कर सिस्टम से गड हल ना दुनिया के भी तो दिखारी ना उन गड हलणो पवो ना शफाफियत के लिए चाहो तो उनके ऑब्जेक्शन के पॉइंट जहाँ रेज कर तो हि शे शफाफियत की तरफ न वी अगर इनके अड़े तरीके से तरीके से कज तो शफाफ थी बेहतर अंदाज थी तो असा सजू पार्टियों पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट वह बेहतरी चाहन था तो निज़ाम की कें तरीके से बेहतरी थे जो बाद में ऑब्जेक्शन या बाद में इल्जाम इलेक्शन थी वे या सेंसिस उनके बाद में तल्जाम हणो था और बाद के इल्जाम के खत्म करने लाइ बेहतर कर तरीके से हलज जमहूरियत के बेहतर कज इदार के बेहतर कज कोई भी इदारो पांजो कम करना चाहे तो पहले ऐसा होता है। रियाज हुसैन, रियाज हुसैन शाह साहब असंगे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। शाह साहब सलाम अलैकुम। अस्सलाम शकील भाई। हां शाह साहब, पीपल्स पार्टी आज हैदराबाद में आदमशुमारी के मसले पानी की खोट जेके मुलाजिम 17,000 बरतरफ किया हुआ है मुख्तलिफ इदारन में उन समेत मुख्तलिफ इशूज ते जमे महंगाई जो इशू भी शामिल है उनते आज एहतजाज कर रही है। आदमशुमारी के मामले ते वफाकी काबीना काल फैसलो किया है
डिजिटल आदमशुमारी कराने जो जैसे इन अग जो आदमशुमारी थी है वह खुद तकरारी है उनके अपोजिशन पार्टियों बशमोल पीपल्स पार्टी कबूल तैयार ना है तो इन डिजिटल आदमशुमारी के तहां किए था रिसो इन फैसले के तेरे मेहरबानी शकील भाई ता मुके पे शो में इनवाइट कयो। अच्छा ही साईं जी गल मुसवर बुदी पे जका एहतजाज की गल तक कही एहतजाज सजे सिंध लेवल ते हले तो सजे पाकिस्तान लेवल ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करे पे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हर तालके में एहतजाज ध्यान जो मानों जी जिंदगी दिसो नन इलाही मुश्किल करे छदी है पेरे तो महंगाई हद का वधी कई तन पेट्रोल महंगो डॉलर महंगो थी है उनका पो हर शय महंगी थी हुई है ये पानी इमरान खान हों जो गालू कह जो हुकुमरान जो करप्ट हों तो वो टैक्स मुसलत क्या वो महंगाई क्या कहो पानी इमरान खान हो जो बिल साड़ी कंटेनर पे भी हाँ वो लाइट जहा बिल भी महंगा पे थन गरीब मानू की जिंदगी इला मुश्किल भी थी है। बी गल ती आदमशुमारी वरी तो वाकई असें पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई हर जमायत के इतराज हुआ जो दफा थी हुई है आदमशुमारी हाँ अचन भाई डिजिटल आदमशुमारी अगे ही असें इतराज पुरानी वरी तो ये उनमें ही मसला हल इन को उनमें ही सवलो कम इन को इनमें क्या बी गल अस पा वट दसो एक नोन गल है तो पे एतरो लिट्रेसी रेट पाकिस्तान में कोने जैमें जो है मानू समझी सकन इन गल के उनका सतटी ता फरमा जी सवेर इंट्रो में सतटी इतराज इलेक्शन कमीशन भी दिना ना ये इदार की गल इदार के साई जी सवेर गल की तो एतराम कर इदार जो इन वजीर एतराम को कन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के चवन था या इलेक्शन कमीशन के चवन था बाहे दई छो कदें ही उही मू पीटीआई वा जो चवन जो है पार्लियामेंट के लानतू दींदा उन्होंने पीटीवी से हमला कंदा उहे मानू साग्या हींअर वेही इन अंदर पार्लियामेंट में हुकूमत हलाइन पिया मतलब जॾहिं हिननि जी हुकूमत कोन हुई त तॾहिं पार्लियामेंट के घटो त ॻाल्हाईंदा ऐं हाणे अची हाणे उहो उन माण्हुनि जी ज़िंदगी ज़ाहिर कनि पिया तो वो इन्हन जो यो ही तरीको हले पियो इन्हनि खां कम कोन थींदो कंहिं बि माण्हू जी ख़ुशहाली जे लाइ इलेक्शन कमीशन हिकिड़ो ख़ुदमुख़्तियार इदारो आहे जॾहिं वफाकी वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इलेक्शन कमिशनर मथां इल्ज़ाम लॻाइनि नोटिस बि जारी थी चुका आहिनि त अदालतूं मुल्क जूं मौजूदु आहिनि को सावरन जेको इदारो आहे उन ते इन क़िस्म जी तनक़ीद तव्हां सम्झो था त उहा कंटेंप्ट में कोन थी अचे ॾिसो हुनजो त पाण मिनिस्टर जवाबु ॾींदो लेकिन साईं जेका ॻाल्हि कई रिया छा उहा घिसी पिटी जेका तनक़ीद आहे उहा तनक़ीद खां न हटी पॉज़िटिव का ॻाल्हि कजे त भई कहिड़ो कहिड़ी शइ खणी अचे छा उन में बहितरी कजे तव्हांजा पूरी बैंकिंग अकाउंट डिजिटल सिस्टम हले थो पियो त उते जायल बि वञे थो पढ़ियो लिखियो बि वञे थो उनजे अकाउंट जी हुनखे ख़बर आहे त डिजिटल सिस्टम खे पहिरियों सम्झणो पवंदो त हुन में त आदमशुमारी काउंट थींदी इहो फॉर्म त मुंहिंजे ख़्याल में 90s में ई ॾिना विया त कंप्यूटराइज़ या पाण एप्स जे थ्रू बि करियूं था पाण पढ़िया आहियूं या पाण पढ़ियल लिखियल आहियूं जेके थर में माण्हू रहनि था जेके माण्हू जेके वॾी एज आहिनि उन्हनि जा जेके बुज़ुर्ग माण्हू आहिनि उन्हनि खां इहे शयूं ऑपरेट कोन थियूं थियनि करे छॾियो आहे उहे डिजिटल सिस्टम सां पैसा बि कढनि थियूं ॿाहिरि वञनि थियूं पियूं थियूं हर शइ में अचे थो पियो पंहिंजे वहाब साहब हिन ते पुराणी आदमशुमारी ते अॻ में बि एतराज़ आहिनि हिन में अपोजिशन जमायतुनि जो या इलेक्शन कमीशन जेका वोटिंग मशीन हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कमीशन उन ते उनजो एतिराज़ु इहो हुयो त हिकु त असां वटि मुख़्तलिफ़ हिकिड़े ॾींहं में जेकॾहिं असां सेंसिस करायूं था या जेके इलेक्शन थिए थी पई त उन में हिकु त असां वटि मुख़्तलिफ़ जाइनि ते लोड शेडिंग जो वॾो इशू आहे ऐं बैटरी जेको सिस्टम आहे उहो डाउन थी वञे थो टैम्परिंग थी सघे थी को बि माण्हू उनखे हैक करे सघे थो उनजे अकाउंट खे त बैंकिंग जो अलॻि आहे हिन में त पॉलिटिकल आहे को बि माण्हू हिनखे बहितरी जे लाइ वेंदो पार्लियामेंट कमेटी आहे पार्लियामेंट छाजे लाइ आहे इदारा बि पार्लियामेंट जेको बि कानून ठाहींदा इदारा उनखे तहत हलंदा आहिनि चाहे उहा ऑटोनॉमस छो न इदारा हुजनि लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम हूंदो आहे उहो कानून ठाहे ॾींदा त हलंदो न इलेक्शन कमीशन खे जंहिं कानून जे तहत तव्हां हलाईंदो तॾहिं उहो हलंदो चाहे भला जेके इंडिपेंडेंट इदारा हुजे तव्हां हाणे जेके ॻाल्हियूं जेके इहे फॉल्ट ॿुधायो आहे इहे फॉल्ट हल करे सघजनि था इहे रीचेबल आहिनि
हिकड़ी शइ रीचेबल आहे भई बिजली न आहे उते बिजली जो बंदोबस्तु करणो पवंदो या ॿी इन में कहिड़ी कहिड़ी वॾी एम्बिग्विटी आहे त नथो थी सघे छो स्केप करणु चाहिनि था पॉलिटिकल पार्टियूं भॼण छो थियूं चाहिनि जेको उन टाइम रिज़ल्ट मिलनि जेको फार्म ते एतिराज़ हूंदो फार्म 42 उन ते एतिराज़ात हूंदा न हीअ त सभु कुझु साम्हूं अची वेंदो रिज़ल्ट वन क्लिक में ईंदो अगरि उन में का हिननि खे मशीनरी में ख़राबी नज़र अचे थी त हुनजी बहितरी जी तजवीज़ ॾियनि पार्लियामेंट खे पार्लियामेंट कमेटी खे सभु कुझु हल थी सघे थो अञा इलेक्शन में ॿ साल पिया आहिनि हिन में सॼो कुझु थी सघे थो अने जेकर न थियण वारी का ॻाल्हि कान्हे सेंसिस बि सही अगरि सेंसिस कहिड़े तरीक़े सां कजनि लाज़मी थोरो या त बुक्स में ई पिया हुजनि अॼुकल्ह त हर शइ कंप्यूटराइज़ आहे तव्हां सिस्टम क्लिक कंदो त हर शइ अचे थी तव्हां कोर्टनि में केसिस जी तव्हां डिटेल वठो था स्टेटिक्स जेके हीअ जेको डिजिटल आदमशुमारी वारो मामिलो जेको आहे उहो कमेटी जोड़ी वई आहे इहो जेकॾहिं पार्लियामेंट जे फोरम ते अचे थो ऐं हुकूमत आछ करे थी अपोज़िशन जी समूरनि पार्टियुनि खे इनक्लूडिंग पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून त छा इन ते डायलॉग थी सघे थो छाकाणि त असां ॾिसूं था त जदीद जेको टेक्नोलॉजी जो दौरु आहे आहिस्ते आहिस्ते सभु शयूं डिजिटलाइज़ थियनि पियूं सोमरो साहब ही जेके हिननि हुकूमत पीटीआई जी हुकूमत अॼु ताईं जेका हली आहे छा ऑर्डिनेंस ते हली आहे पार्लियामेंट में हीअ बिल आणनि हिननि खे ख़बर पइजी वेंदी त अपोज़िशन हिननि वटि उहे अंग ई पूरा कोन्हनि हिन वटि टू थर्ड मेजोरिटी कोन्हे अॻे अपोज़िशन हिन खां वधीक आहे जॾहिं हीअ बिल आणींदा त हुननि जो बिल पाण हुननि खे ख़बर पइजी वेंदी त कीअं थींदो आणनि बिल त ख़बर पवे न हीअ त हेसि ताईं हुकूमत हली आहे ऑर्डिनेंस ते सदारती ऑर्डिनेंस आणनि था पर असां त हुनखे अपोज कंदासीं ॿी ॻाल्हि साईं चई पए ऐं हीअ जेका तव्हांखे ख़बर हूंदी इलेक्शन जेका हींअर थी हुई उन में ई सिस्टम वेही रहियो ऐं रिज़ल्ट जेको आहे देरि सां पिया मिलिया असांखे त हुन ते एतिराज़ हो असां उन इलेक्शन जेका हींअर अरिड़हीं में घुरी असां गुज़री आहे उन ते तव्हांखे ख़बर सॼी अपोज़िशन एतिराज़ कयो त हीअ हींअर ईवीएम सिस्टम जी ॻाल्हि था कनि ईवीएम ते ॿ साल पिया आहिनि ज़रूरु उन ते असां सॼो अपोज़िशन जमे थो वेही फ़ैसिलो बि कंदियूं पाण में ऐं उन खां सवाइ जेको आहे जेको बिल ईंदो त उन ते जेको आहे बिल पार्लियामेंट में त उन ते बि असां ॻाल्हाईंदासीं बाक़ी ॻाल्हि रही जेके हींअर जी उहा त जेका असांखे सम्झ में अचे थो जीअं हीअ हुकूमत हले पई उहे ई इहे सिस्टम हलंदा इलेक्शन कमीशन खे हिकिड़े माण्हू कोन था इज़त कनि उन्हनि जे चेयरमैन जी इज़त कोन था कनि उहो इलेक्शन कमिशनर जेको अपोज़िशन जी हुकूमत जी मर्ज़ी सां हलो हाणे जॾहिं उहो हिननि जी ॻाल्हियुनि ते हिननि जे वज़ीरनि खे हिननि खे जवाबु ॾे थो त हुनखे हीअ चवंदा साड़े छॾियो उन्हनि जी बेस्ती था कनि ऐं उन खां पोइ ही नादरा ते इलेक्शन कराइण था चवनि हर शइ उन ते मुसल था कनि पोइ इलेक्शन कमीशन जो इदारो कहिड़े मर्द जी अथव आहे शाह साहब हिकिड़ो ॿियो इशू जंहिंमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलज़ार अहमद सिंध हुकूमत जी जेका गवर्नेंस आहिनि उन ते सवाल उथारिया आहिनि ऐं हुननि रिमार्क्स पास कंदे चयो आहे त शेम ऑन सिंध तव्हां सम्झो था जेके गवर्नेंस जो इशू आहे ज़ाहिर आहे पब्लिक जेको आहे उन्हनि खे डिलीवरी न मथां मर्कज़ी सरकार खां थी रही आहे न हेठि सिंध हुकूमत त उन हवाले सां महांगाई जो इशू आहे ॿिया बदमनी वधी रही आहे स्ट्रीट क्राइम में तेज़ी सां इज़ाफ़ो थी रहियो आहे हिते कराची जे अंदरि महिराण टाउन आहे कोरंगी में उते रोज़ानो जूं जेके वारदातूं थियनि थियूं स्ट्रीट क्राइम जेको आहे उहो तमामु मथे उनजो ग्राफ चढ़ी वियो आहे त इन सिलसिले में सिंध हुकूमत इनिशिएट छो थी वठे ॾिसो अॻे खां पंहिंजो बाक़ी तव्हांजी पर अॻे खां बहितर आहे हालात असांजी पुलिस हुन ते कोशिश बि करे पई ऐं इलाही कंट्रोल बि करण जी कोशिशि कई आहे इहो क्राइम ॾिसो वॾा शहर हूंदा आहिनि त उनमें अमेरिका में बि थिए थो पर उते कंट्रोल आहे असां बि हिन में कोशिशि कई आहे जंहिंमें वधि खां वधि कंट्रोल थिए वाकई में इहे मसला थियनि था छो जो हिते वॾो शहर आहे ऐं उन में इहे वारदातूं थियनि थियूं पर कोशिशि इहा पुलिस सिंध हुकूमत बि कई आहे त पुलिस खे बि कम बि कई आहे त उनमें कमी अचे ॿी ॻाल्हि तव्हां ॿियो सवाल कहिड़ो तव्हां कयो साईं मां चयो त बदनमनी जेका आहे स्ट्रीट क्राइम ऐं उन सां गॾोगॾु महांगाई जो जेको इशू आहे उहो मर्कज़ी सरकार तरफ़ां पेट्रोल जेको आहे उहा 5 रुपया फी लीटर ताज़ो इज़ाफ़ो कयो वियो उन खां बाद में बिजली जा जेके अघ आहिनि 2 रुपया 7 पैसनि जो जेका वाध करण वारी समरी उमाणी वई आहे त अपोज़िशन जूं जेके समूरियूं पार्टियूं आहिनि गॾियल तौर ते इन अहम इशू खे एड्रेस छो कोन करे सघियो आहिनि साईं हींअर जेके तव्हां सवेर ॻाल्हि कई असां तव्हांखे ॿुधायो त असां इन इशू ते एहतजाज बि करियूं पिया जिथे हर फोरम ते इहा रड़ करियूं पिया त महांगाई वधी वई आहे
तीन जिंदगी वरी भी जीती कर गुजारे तो वो जैसी पगार हिंसर घट में घट सैलरी भी पंजवी हजार रखी अथन पर पा सोचो तो पंजवी हजार में भी गरीब मूल जो इन जमाने में गुजरान मुश्किल तो थे जे मू हलो उ तो वरी भी उनके सैलरी मिलो थी वे जे डेली वेजर्स जैसे एक दिन दिहाड़ी मिले थी बे दिन नी मिले उी जिंदगी की गुजारींदा वो तो पे बार पढ़ाए को सन वो मानी किथा खाइंदा एक टाइम जी खाइंदा बे जी को खाइंदा उनका घर जहा रेंट दींदा जे रेंट से रहन था उनका बिल बिजली जहाँ अमां पाण बुधायो हिंसर ती ढाई रुपया या पंज रुपया या ढाई रुपया अना बधाइण जी पे कन मानुन जे शायद ही कड़ी गवर्नेंस है परफॉर्मेंस है उन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद सवाल उथारा चवण है शेम ऑन सिंध जो इस्तेमाल किया है रिमार्क्स इस्तेमाल किया है उन चीफ जस्टिस साहब की इज्जत करूं वो पाकिस्तान जा मोतबर इदारे जा सरबरा बाकी गाल चवजे तो सिंध गवर्नमेंट जै अगर कंपेयर करो तेन सूबन का तो सभी का असो बेहतर बेहतरीन गवर्नर गवर्नेंस थे पी वह मुझे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट की थे पी उन असे इंफ्रास्ट्रक्चर या कम ऐसो ही पो हर कराची में अगर ऐसो तो कराची में डेली बेस डेली नो प्रोजेक्ट जो कम हल पो उन मेहनत थे पी मुर्तजा वहाब जो दी रात कम करे पो असे जे भी वजीर आन उ सुठी तरीके से कोशिश कन पा मान के डिलीवर थे बाकी हाँ एतराज या जो है तनकीद तो थी रही है बाकी असा तो पी कोशिश करें पे अला कह मेहरबानी रियाज हुसैन शाह साहब तक टाइम दिनों नाजरीन इतने नंबर कमर्शियल ब्रेक वो ब्रेक का वापसी से प्रोग्राम के कंटिन्यू क्या वेलकम बैक नाजरीन असांगे प्रोग्राम में जीडीए जे अगवान मखदूम मोहसिन साहब ज्वाइन किया है स्काइप ते असांखे इस प्रोग्राम में भलीकार चाहूं था जी अब्दुल वहाब साहब तां पंहिंजी गाल जारी रखो रियाज हुसैन शाह साहब जो खास तौर से सिंध जे गवर्नेंस जे हवाले सां जेके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जा रिमार्क्स आहिन सिंध हुकूमत जे लाइ उन ते तव्हां चवंदो शकील अज स्टेटमेंट पढ़ी से अस भी डिठी से पे चीफ साहब हाँ चीफ साहब जो सुप्रीम कोर्ट अगर केंद्र खिलाफ ये वर्डक्ट या ऑब्जर्वेशन दिए तो उनके तो मुट के अल्फाज को चवं लेकिन जो साई गाल कई रियाज हुसैन शाह तो उनके साई के शायद विसरी अना तीन ठठे सजावल में पुछड़ी के जे आबादगार उनके पानी न तो मिले और अज सुप्रीम कोर्ट यहाँ भी तो बहरिया टाउन की जमीन कोड़न के बाह से वेचे छद्यूं और सुप्रीम कोर्ट यो भी तो शहर में पानी को और यो भी तो कराची किचरो गंद जो ढिग लगो पे हाँ मैं आया रोड से सिंध टीवी की ऑफिस से आया हूँ जो अचण में प्यादल आया हूँ कोटी हैदर तीन इन्हीं के गवर्नर्स चोबो है तो भाई यहाँ गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट अड़े तरीके से कम करे पी कड़ो इदारो है जैमें सिंध गवर्नमेंट के मतों एलिगेशन को साई जी तो पंजवी हजार रुपया सैलरी कई है पंजवी हजार रुपया पॉइंट स्क्वेरिंग के लिए पंजवी हजार कई वो कोर्ट में केस आज मालिक केतरे ते राजी केतरे ते न साई रियाज हुसैन शाह के यह भी खबर को मानून में ऐसे तो बीमारी की केतरी हालत है एजुकेशन केतरी तबाह है सिंध की कड़ी कड़े इशू से असा गाल क्यों गाल नथा करे सकूं पे मन सिंध गवर्नमेंट की कें भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तक खबर है अस सजा पा विक्टमाइज आयो पर्सनली विक्टमाइज आयो कें मू को हादसों थी वह तो सिंध हुकूमत जो को नुमाइंदो पुछण वो को पुलिस फंक्शनिंग कंजे कंट्रोल में है इदारा कंजे कंट्रोल में आन साल डेढ़ साल को वी बल्दियाती इलेक्शन ना थन पे अज इलेक्शन ड्यू हुई एक साल चौदह महीना उन्हीं थी को शेड्यूल को कोर्ट में उन खिलाफ कोर्ट में पीटीआई वरन वो केस फाइल किया तो इलेक्शन कराया उन्हीं भव को लेटर लिखा मखदूम साहब ओपिनियन मखदूम साहब जीडीए जा मेंबर अगवान
जीडीए जेका है वफाकी हुकूमत जी इत्तेहादी जमायत है। मखदूम साहब, वफाकी काबीना काल फैसलो कियो है डिजिटल आदमशुमारी कराण जो, उन सा गडोगड सिंध हुकूमत जे तर्जमान मुर्तज़ा वहाब जो चवण है 6 महीने के अंदर असा मकानी चूंडू कराण लाए तैयार आयो। किए दिसो ता त हिकड़े पासे तकरारी जेका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उनते अपोजिशन जमायतू जेके आयन उन्हें उनके रद्द करे छड़ियो है, हाँ वफाकी हुकूमत डिजिटल आदमशुमारी कराण की गाल कर रही है। छा हन पाकिस्तान में जिते लिटरेसी रेट की सूरत हाल तहां जे सामू आए उते डिजिटल आदमशुमारी जा नतीजा जेके आयन उहे अपोजिशन जो पार्टियों कबूल कंदियो? शकील साहब, असल में गाल यह है तो तहां दिसो तो जदे भी इतने गुजरियल 50-60 साल का वी जो भी इलेक्टोरल प्रोसेस इतने थी गुजरियो उन्हें हमेशा ऑपोजिशन के पारा उन्हें सवाल निशान उथारिया वह 2018 की चूंडू हुजन उन्होंने नवाज शरीफ साहब चैलेंज किया, 2013 की चूंडू जिनके जरदारी साहब चो तो आरओ डीआरओ इलेक्शन हुई, वरी उन्हीं इलेक्शन के बेस से ही इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख जो वे का वो धरनो हो। तो असा वट जो मकानी चूंडन की तुम गाल कई तो मौजूदा सिंध हुकूमत चवे थी 6 महीने में असि मकानी चूंडू कराइंदी, असल में एडमिनिस्ट्रेटर आनन कराची जो बेन जिलन के लिए भी एडमिनिस्ट्रेटर जो गालियों हलन समझा तो यो एकड़ी साजिश कें तरीके से लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन के माना या लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के गैरफाल कजे या बल्दियाती इलेक्शन उनके न कराए वजें। तक याद हों हिंसर तो खड़ी ठीक है, चवंता तो आदमशुमारी जो मसलो है, माजी में एतरा दफा पीपुल्स पार्टी की हुकूमत रही है को हिकड़ो टर्म बुधायो जैमें पीपुल्स पार्टी इलेक्शन कराई हुए। हाँ 2015 में करायूं सो भी कोर्ट के प्रेशर में उनके बावजूद भी यह सूरत्याल हुई जो कराची जो मेयर 50 साल जो टर्म गुजरी वो दाहूँ कह रो तो मुख्य इकतदार दियो जे कराची के मेयर वट इकतदार को जिले के चेयरमैन वट यूसुफ के चेयरमैन वट कड़ो अख्तियार हों तो हमेशा गाल अड़ी कन जो हकीकत से को ताल्लुक कोने। परफॉर्मेंस की गाल की साई हिंसर सुी गाल पे कई तो सिंध में का परफॉर्मेंस कान्ने गवर्नेंस कोने। तुम यकीन कर कल सिंध के बे तरफ वियल हुस मीरपुर वाली तरफ थर पार्कर वाली तरफ वियस तो मुख्य समझदस अस जिलन में असान डिवीजन में परफॉर्मेंस जो फुकदान आ पर इन पास समझा तो मानुन सा जुल्म आ माना जेका गवर्नमेंट 13 साल में मानुन के आबादी ला पीण ला पानी नथी फराहम करे सके, जेका गवर्नमेंट रोड रस्ता नथी देई सके, जेका गवर्नमेंट इन जो मंशूरा रोटी कपड़ा है मकान ही माना न को गरीबन सिंध के मानुन वट न को खाने ला रोटी आ कप मानी आ है रोटी आ है न को पाने ला कपड़ो आ है न को रहने ला घर आ है। 13 साल में छा इन दिनो आ बाकी जेडी वाले विनन सा गाला वी चंदा असी तरकी जी राह ते गामजन नहीं असिक मजबूत थी जेका पार्टी चैन सूबन की जंजीर हुई जै पार्टी 70 में लाहौर स्वीप कर जै पार्टी पंजाब में एक एंटिटी काउंट कई वी मोहतरमा के टाइम से मोहतरमा की अज बस इज्जत एतराम से याद वह पार्टी हाँ चंद जिलन की जमायत बन अभी चूं। मखदूम साहब, हि तो सिनारियो जो हो सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से गाल तो सिंध हुकूमत सिंध के राजधानी शहर कराची का वी थरपारकर हाला मटियारी घोटकी डहरकी सभी शहर की तुम सामू सूरत है। बे पास वफाकी हुकूमत की जैसे कारकर्दगी दिसूँ ता तो वफाकी हुकूमत ताज़ो पेट्रोल में अघन में इजाफो किया 5 रुपया हाँ फैसलो किया नेपरा समरी उमाणी है तो बिजली के फी यूनिट अग में 2 रुपया 7 पैसों जो इजाफो किया। हि जो महंगाई जो एतरो सारो इशू है यह गाल समझ में अचे थी तो अपोजिशन जो जमायतू जो इकतदार की शराकत के लिए रिकन्सिलेशन डील में मसरूफ़ हैं वो भी उनके एड्रेस न कर सको तहां जेके मरकज में वफाकी हुकूमत पीटीआई सरकार जा इत्तेहादी आयो तहां भी इन महंगाई वाले मसले ते खामोश आयो तो आवाम कहना मजे दिसो आवाम सा समझा तो वडे का वडी ज्याती हिंसर थे पई तौरे फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को तसली बख्श कान्हे। यो बार बार अस मीटिंग में तफजात इजहार भी कहना आयो भी ठीक है प्राइम मिनिस्टर साहब से जैसे मीटिंग कजे थी प्राइम मिनिस्टर साहब से जैसे भी गाले तो प्राइम मिनिस्टर साहब चे तो हि डील के चक्कर में जो तुम जिक्र कर ठीक है डील के पास से रखो ऑपोजिशन के पास से रखो पर मेन गाल है तो तुम 3 साल में आवाम के दिनों हि चवन था इकोनॉमी के बेहतरी तरफ खड़ी पाँच ठीक है अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बदे थी बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर सरप्लस में आए तो आवाम के फर्क न तो पवे हाँ पर पेट्रोल की कीमत बदे थी आवाम के फर्क पवे तो ये तर चो तो बिजली में वादरी समरी आई है आवाम के फर्क पवे तो यो तो वाजे है उनको सबूत यो है मुख्तसर अर्ज क्या तो हिंसर जे मू सिंध में या खसूसन बेन सूबन में जे पीपुल्स पार्टी का नाखुशन उ
तो पीटीआई के ज्वाइन करने का पासो था करना असा वट प्राइम मिनिस्टर साहब मोट गवर्नर साहब के मेहरबानी करे अज का महीनों पहले मोकलो तो पीटीआई में शामिल तो असा माजरत कई बेन भी काफी सारा दोस्तों माजरत की हाँ एकड़े बिन दोस्तों वही पीटीआई ज्वाइन कई वो जो यो ही सबब आदड़ी पार्टी की वफाक में हुकूमत आ पंजाब में हुकूमत आ बलोचिस्तान में कॉलेजन एज कॉलेजन हुकूमत आ के पी के में अठन साल हुकूमत आ आजाद कश्मीर में उन्होंने हुकूमत की हुई है गिलगित में पे साल हुकूमत आज है जो बावजूद मू अलग इताद चाइन पसंद कन था आजाद रहन पसंद कन था पर शामिल छोड़नेस आमेंट गैर जानबदार की तज्जियो क्यों तो पीपल्स पार्टी 13 साल का इतने गवर्नमेंट में आए पर परफॉर्मेंस उनकी एतरी बेहतर न है बे पास वफाकी हुकूमत है उनकी परफॉर्मेंस जो 10 साल तहां सामू है खुद पीपल्स पार्टी अज हैदराबाद में रैली कढ़ी रही है पानी जो जो खोट वो इशू जो मखदूम साहब भी बुधा तो पानी की खोट वो इशू इंतहाई संगीन सूरत अख्तियार कर वो है उनकी सिंध हुकूमत जिम्मेवार करार दे थी वफाकी हुकूमत के इरसा के छाकाणी सीसीआई में भी मामलो डिस्कस रो है पर इतने जो पुछड़ी के आबादगार ज्याती थी रही है उनते पीटीआई के बहुत जो जमायतू चैन थी तो वह सिंध हुकूमत जिम्मेवार है तो बिन्हीं तरफन का आवाम जो है महंगाई ए बदमनी के घाणे में पीस जी रो है तो इन सूरत हाल में तुम समझो था जैसे अपोजिशन खुद महंगाई के एड्रेस नी कर सके तो आवाम जो है उनको मौजूदा जो सिस्टम एतबाद न खी वो शकील समझने तो वफाकी इदारा कड़ा और सूबाई इदारा कड़ा और जर महंगाई तेज खाण पीण इन शहंगाई थे वह प्रोवेंशल सब्जेक्ट है वो फूड अथॉरिटी इन वह उन कंट्रोल कर सकन था जिते तेल की गाल कई तेल इंटरनेशनल मार्केट से तेल वे भी तो घटे भी तो हाँ तेल अगर वे तो उनका असरा तो बिजली से भी अचन था तो बिजली भी पैदा थे तो ये बन पा में कनेक्टेड शन बिजली और तेल बाकी हाँ जो साई गाल कई सिर्फ तनकीद करनी तो साई जो जीडीए वाले यो चिट्टो मौकफ दियण खपे तो ये हुकूमत से गड आन या हुकूमत को धार आन अगर हुकूमत से गड आन तो हुकूमत के वे तजवीजू दियन बाकी जो बी गाल कई हाँ उनमें ही स्केप ना कर सकन अगर अगर पीटीआई जी को भी कहीं भी इदारे में पीटीआई के वफाक के कहीं भी इदारे में कई भी अड़ी करप्शन ना आई या करप्शन जो आई है तो उनके खिलाफ इंक्वायरी बाकायदा हुकूमत कई है पांजे मिनिस्टरन के खिलाफ भी कई है पांजे नुमाइंदन के खिलाफ भी कई है उनमें इंक्वायरी थे थे पे एहतसाब जो अमल हले तो पे बाकी बी गाल पीपल्स पार्टी हाँ अगर इतने एहतजाज करे थी सिंध में हुकूमत भी उन्हें और पांजे खिलाफ एहतजाज कर पानी जो मसलो आए तो वफाक से उथारन वफाक केतरो पानी इन नो या तो खबर ही को पुछड़ी में पा था पानी पहुंचाएन सिंध जो हर लाड़काने में एहतजाज थो तो भाई सिंध की जी है नवाबशाह में एहतजाज थो जो जमीन है उतने पानी वे तो और वी ऑफिसर वी ग्रेड जहाँ पा मुकर्र क्या जो सीटन से उप कर इरीगेशन इरीगेशन सिस्टम को सुधारण पवो इरीगेशन सिस्टम में जो वायलेशन थे पे उन्हीं के सुधारण पवो यो इरीगेशन जो सब्जेक्ट है वो प्रोवेंशियल सब्जेक्ट है जिते पानी वाद में वे तो किथे पानी घट अचे तो किथे पानी जया थे तो पो इन करण पव अगर को वफाक से आए तो चार सूबन जो है चारन सूबन के वेही करे यो सॉल्यूशन कढ़णो पोंदो तो पानी जी वेर से की मखदूम मखदूम साहब अवां जे मथा जीडी जे मथा या तनकीद आहे त जरे महंगाई जो इशू के ता एड्रेस कियो ता वफाकी हुकूमत ते तनकीद कियो ता खुद अवां ते तनकीद थिए थी त अवां पीटीआई सरकार जा इत्तेहादी आयो ता पंहिंजी पोजीशन वाज़े छो कोन था कयो तहांखे हुकूमत का हिन मसले ते जरे अवां अज़ाब में आहे तहांखे हुकूमत का धार थियण खपे शकील साहब दिसो असा जेडी मतलब जेका शे गलत असी फील कयूं था बेटन वारो इशू हो असी धार थी बीठा सी जेके गलत पॉलिसीजन असी उन ते पनी आवाज उठारियो था दिसो जो जमुरियत जो एको राइट आ बाकी हिंजर एको मुश्किल वक्त आ है असी यो इंप्रेशन नथा देन चाहियूं त असी गलत टाइम ते उनन के छडे वासी बाकी जिथे भी मीटिंग थियन थी असी पंजे ख्यालात जो मुकम्मल तौर इजहार कयूं था बाकी इताद अलग अलग थी इतादन में हर केजो पंजो मौकफ हुंदो आ यो कोने तसी के उन जा सब जमाती कोने हूं जो पीटीआई पने परफॉर्मेंस जवाब दी हां बाकी अलबता असी उन जा इतादी हूं जे असी 5 साल इतादी रहया सी सागी परफॉर्मेंस रही त पो इंदर आम चूंडन में मानो सा का सवाल करे सकन था पर हिंजर अन उन के 3 साल थे ना समझा दो उन के 2 साल देन खपन बाकी अलार्मिंग सिचुएशन जरूर आ इने ते को गलत राय काने आ गलत गाल के गलत चवण वारो मानू आया मुझी हमेशा आदत रही तनकीद बराए इस्लाह थन खपे तनकीद बराए तनकीद थन खपे जिथे भी काशे गलत ता महसूस करे उन्हें शेते खुलेआम मानो के आवाज उठारण खपे
वफाकी काबीना मखदूम साहब डिजिटल आदमशुमारी कराने जो फैसलो किया है, जीडीए उन डिजिटल आदमशुमारी कराने वाले जो फैसलो आया उन्हीं का सपोर्ट करे थी? बिल्कुल, जीडीए ने फैसले के सपोर्ट करे थी, पर जीडीए चवे थी जे कने के ओपोजिशन जे जमातुन के जे तहफजात आहन त उनन के ब गड खणी आए उनन के ब एतमाद में वतो वने आए एक मतलब एकड़ो वीटो न वतो वने के फैसले में त जिया इने दिसो न एकड़ो ही नयो सिस्टम आन चाहिन था पर चव मुखालिफ चवन था ओपोजिशन जमातु चंद पुराने सिस्टम तहत इलेक्शन उठन खपन। हां अलबत्ता अगर पुराने इलेक्शन सिस्टम तहत अगर शफाफ चुंडू थींदियो आई हुजन पो त हनन जी गाल वैलिड आ, पर पुराने सिस्टम ते भी काफी सवाल या निशान हैं। मैं समझा तो 2018 दी आम चुनाव में भी इन्हें पुराने सिस्टम त दी मौजूदा वफाकी हुकूमत के मेजॉरिटी मिली जेनन के वफाकी गवर्नमेंट के मिली त घणो दाऊं ही छोटा कर कोई आरओ डीआरओ वाली इलेक्शन वारो वारो राग पीपल्स पार्टी वारन गायो पे वरी नवाज शरीफ साहब भी ने ही सिस्टम के चैलेंज करे दो त जे सिस्टम में बेहतरी अचे थी तो उन्हें हाथ तरमीमू कराइन उन्हें सिस्टम के ही उपाव दियन भाई हरूभरू तंकीद त न कर नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जेका है तमाम घणी तकरारी थी चुकी है, उन हवाले से जीडीए जो मौकफ छा है? असी चाहूं था त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तद इलेक्शन उठन पर जे उने में ओपोजिशन वारन जा के तहफजात तो उनन के बेतबात में वतो वने ई वन वे वारे फॉर वन वे तरफ फैसलो न कयो वने उनन के बेतबात में वठन जे कदे कोनन वट को सिर्फ तंकीद का बालातर थी अगर वो सोची अगर को प्रपोजल देन था जेते जेको मुल्क के मफाद में हुंजे ओवरऑल सिस्टम में सुधार हो सके तो समय तो ओपोजिशन वारन के बन के जवटन कबे बाकी असी इन सिस्टम जी मुकम्मल तौर पे हिमायत कयो तो असी चाहू तो बेहतरी अचे भले ये सिस्टम में थी जी वहाब साहब ही तो वैलिड जेके हन एतराज हन इलेक्शन कमीशन जा वोटिंग मशीन ते 37 एतराज होया वैलिड हन अपोजिशन जा वो एतराज खत्म छो तो कया वन अजायो उनके पॉलिटिकली छो उनते रिजिड थी करे मानू बिए त न असंगे हर सूरत में वोटिंग मशीन आनी है उनमें अपोजिशन जे जेका एतराज हन वो खत्म करन खपन। पार्लियामेंट कमेटी जेका है वो जोड़ी भी वई है उनके पार्लियामेंट जे फोरम ते खणी अचन उता गडियल तौर ते सबनी जे इत्तेफाक राय सा जेकर थिंदो तो वो वधिक बेहतर थिंदो। सो न इनमें जेका मशीन जी बेहतरी जे लाए भी को तजवीज दींदा अगर को ऑब्जेक्शन होदो तो वो हुकूमत उन जे लाए करण दे लाए तैयार है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उन जे लाए गलाण दे लाए तैयार न होजे या प्रोसेस करण दे लाए तैयार न होजे या पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन लीडर उनी गाल अपोजिशन पार्टी जे कन उन गाल त गलाण दे लाए भी तैयार न होजे तो बेहतरी पो जेका हुकूमत के समझ में दी उहा बेहतरी कंदी न। हुकूमत रिजेक्ट का न अपोजिशन रिजेक्ट हण जे साई गाल कई तो भई मुर्तजा वहाब के वेह रहया दिसो एकड़ो असा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 270 270 में कोई भी एकड़ो मानू बस सीटा जे कन प्रॉफिटेबल होल्ड नथो कर सके। हाने हते वो मिनिस्टर भी आ है होते वो जो का बी जो है मेयर भी आ है त ही पान कॉन्स्टिट्यूशन जो वायलेशन कदन पो मानू उन में कोर्ट में वजन वो रीड्रेसल जे लाय वन सबनी के रगड़ो जो कयो छो था ता हन जने इनी में बदनियत याद कराची जी इलेक्शन जे का थींदी प्रोविंस जी साई चो मखदूम साहब तो उन इलेक्शन के की असा रिग के मतलब प्री प्लान न थो हुकूमत जो इन में को प्री प्लान जो को भी कोने का डेलिब्रेशन करने ला हुकूमत हमेशा हुकूमत का दरवाजा खुला रहता है। प्रोग्राम जो वक्त पुजानी के पहुंचो मखदूम मोहसिन साहब ताजी मेहरबानी ता संगे स्काइप से ज्वाइन कियो अब्दुल वहाब बलोच साहब ताजी मेहरबानी ता प्रोग्राम में संगे ज्वाइन कियो सैयद रियाज हुसैन शाह साहब असंगे टेलीफोन लाइन ते ज्वाइन कियो संदस भी मेहरबानी। नाज़रीन इंदड़ प्रोग्राम में वरी कहबे उनवान से हाजिर थिंदा सो तेस ताई नींदा इजाजत अल्लाह वाई।